राशि फल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। राशि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियों को प्राप्त की जा सकती है। ग्रह गोचर और नक्षत्र के चाल के आधार पर ही राशि फल का भी निर्माण किया जाता है। ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाएं भी हमेशा एक समान नहीं होती हैं। आज रविवार 22 जुलाई का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? आज के दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है? आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस राशिफल में मिलेगा। तो जानने के लिए देखें हमारा आज का ये राशिफल। तो शुरू करते हैं सबसे पहली राशि यानी कि मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए आज आपके तेवर कुछ ज्यादा ही सख्त हो सकते हैं। मानसिक शांति रहेगी, शारीरिक व मानसिक रूप से स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने की संभावना है। शैक्षिक और बौद्धिक कार्यों से मान सम्मान बढ़ सकता है। कार्य क्षेत्र में मित्रों का सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा या जोखिम भरा फैसला न ले, मन में नकारात्मक और उदासीन विचार न आने दीजिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन मध्यम फलदायी है। परिवार जनों के साथ समय सुखपूर्वक बीतेगा। निवेश के लिए समय उपयुक्त है। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आज विद्यार्थियों को भी सफलता प्राप्त होगी। मन शांत तथा प्रसन्न रह सकता है। नौकरी व व्यवसाय की स्थिति अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए आज आपको घर परिवार और संतानों के मामले में आनंद और संतोष की भावना का अनुभव होगा। आज आप सगे संबंधियों और मित्रों से घिरे रहेंगे। व्यापार धंधे के संबंध में प्रवास होगा और उसमें लाभ भी मिलेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभ, मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। नौकरी में पदोन्नति मिलेगी। अटके हुए मामले और भी घने होंगे तथा खर्चे और दिमाग पर छाए भी रहेंगे। आग पानी और वाहन दुर्घटना से संभल कर रहे। कार्यभार से थकान अनुभव होगा। ऐसी जानकारियों को उजागर न करें जो व्यक्तिगत और गोपनीय हो। आपका जीवन साथी किसी खूबसूरत सरप्राइज से आपका दिन बना सकता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए आज आपके रुके हुए काम बनेंगे। उधार दिया हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। परिवार जन आपकी इज्जत करेंगे। किसी धार्मिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कोशिश करने से सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। परिवार का भरपूर सहयोग रहेगा। निजी जीवन में जीवन साथी के साथ अधिक निकटता अनुभव करेंगे। आप नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं। किए गए कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी। आप कुछ बिंदुओं पर आश्चर्यजनक वार्तालाप भी कर सकते हैं जो कि वास्तव में आपको सोचने के लिए तैयार करेंगे। स्वास्थ्य को आपके ध्यान की जरूरत है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए आज कोई विशेष शुभ समाचार मिल सकता है जिससे मन आपका प्रसन्न रहेगा। घरेलू समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपको परिवार तथा साथी से राय मशवरा करके इसका निपटारा करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने परिवार के हितों के खिलाफ काम न करें। कारोबार में वृद्धि होगी। आज के दिन आपकी योजनाओं में आखिरी पल में बदलाव भी हो सकते हैं। धन लाभ के योग हैं। संतान के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंतित भी रह सकते हैं। नौकरी व व्यवसाय के स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव संभव है। किसी महिला का सहयोग प्राप्त होगा। शारीरिक रूप से आप में आलस्य, थकान, अशक्ति रहने के कारण अस्वस्थता का अनुभव करेंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। गणेश जी कहते हैं अगर आज आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपने सामान की अतिरिक्त सुरक्षा करने की जरूरत है। विरोधी तथा प्रतिद्वंदी नरम पड़ेंगे। धन, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। मित्रों से सहयोग लेना पड़ सकता है। किसी महिला के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। मन अशांत रहेगा।
आपके मन की दुविधापूर्ण स्थिति में आप संतुष्ट रहेंगे। व्यापार धीमा चलेगा, जोखिम न उठाएं, संतान पक्ष की चिंता होगी, खर्च बढ़ने से आर्थिक तंगी हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। सजग होकर सही मौके का इंतजार करें। घर को सजाने संवारने के लिए अपने खाली समय का उपयोग करें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए आज आप दुविधा में रहेंगे। आपका दुविधापूर्ण व्यवहार आपको मुश्किल में डाल सकता है। अपने जिद्दी स्वभाव को आज त्याग दें, नहीं तो किसी के साथ विवाद होने की संभावना है। आज बनाए हुए प्रवास की योजना को रद्द करने की स्थिति आएगी। आज लेखक, कारीगर और कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। अनिर्णायक परिस्थिति में नया काम शुरू करने से बचना होगा, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज के दिन आपकी कोशिश किसी भूमि में अपना अधिकार प्राप्त करने की होगी। इस दिशा में आपको अपने घर परिवार के लोगों का सहयोग मिलने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए आज आप काल्पनिक दुनिया में ही दिन व्यतीत करेंगे। सृजनात्मक शक्ति को भी उचित दिशा मिल जाएगी। परिवार जनों और मित्रों के साथ खान पान का आयोजन होगा। हड़बड़ी में कोई फैसला न लें, बाद में परेशानी हो सकती है। लोगों को पहचानने में भूल कर बैठेंगे। खुला व्यवहार लोगों को अखरेगा। दैनिक कार्य भी आत्मविश्वास और एकाग्र मन से पूर्ण कर पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, संतानों के लिए समय अनुकूल है। पिता से लाभ होगा और मित्रों से भरपूर सहयोग मिलेगा। सपने साकार करने का समय है। अपनी बात साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। आज आप वाणी में मधुरता लाने का प्रयास करें। पड़ोसी से कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, इसलिए गणेश जी आज के दिन आपको सावधान रहने की सलाह देते हैं। भागदौड़ रहेगी, कार्य क्षेत्र में सूझबूझ से काम लेंगे। भटकाव की स्थिति कष्टदायक हो सकती है। शारीरिक तथा मानसिक परेशानियां भी मिल सकती हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। व्यर्थ के तनाव की संभावना है। नया कामकाज शुरू करने के लिए या फिर वर्तमान कार्यों में नई पद्धति अपनाने के लिए समय अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में मित्र लाभदायी बन सकते हैं। साझेदारों से कार्यों के लिए उत्तम समय है। सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का कार्यक्रम बनेगा। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन आपके लिए निवेश करने के लिए अच्छा साबित हो सकता है। कुछ तनाव और मतभेद आपको चिड़चिड़ा और बेचैन भी बना सकते हैं। आज आपको कहीं से किसी नौकरी का ऑफर मिलेगा। किसी को पैसे उधार ना दें, भावुकता पर नियंत्रण रखें। आप आज कोई भी काम करें तो अच्छे से सोच विचार कर लें। किसी भी काम में सिर्फ फायदा ही ना देखें, उससे होने वाले नुकसान को भी देखें। परिजन आपके भविष्य को लेकर परेशान रहेंगे। धन कोष में वृद्धि होगी। वैचारिक दृढ़ता और मानसिक स्थिरता के कारण कार्य सफलता में सरलता होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ मन मुटाव हो सकता है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए आज पूरा दिन मौज मस्ती में व्यतीत होगा। मेहनती लोगों को आज बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा, इसलिए मेहनत करने से पीछे ना हटें। समय आपके साथ रहेगा। महत्वपूर्ण काम आज ही पूरा करेंगे। परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। रचनात्मक काम करेंगे। चोट तथा दुर्घटना से बचें। पुराना रोग उभर सकता है। चिंता और तनाव बने रहेंगे। वाहन चलाते समय बहुत ही सतर्क रहें। अनजान लोगों से दोस्ती करते समय आप सावधान रहें। अपने मन पर काबू रखकर ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आज रिश्तों को लेकर बहुत ही चुनौतियां आएंगी। आपको बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की।
आज आपको जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ेगा। कठिन परिश्रम से धन लाभ होगा, स्वास्थ्य में हीनता रहेगी, स्वजनों से अपेक्षित सहयोग मिल सकता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग सकते हैं, कई दिनों से चली आ रही परेशानी का हल मिल सकता है। कैरियर के लिहाज से ये दिन अनुकूल अवसर प्रदान करने वाला होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नौकरी में अफसरों का सहयोग तो मिलेगा लेकिन स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। मन प्रसन्न बना रहेगा, विद्यार्थियों को विद्या प्राप्ति में सफलता मिलेगी, मधुर व्यवहार से सबका दिल जीत लेंगे। आशा निराशा में मिश्रित भाव मन में बना रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए आज आपको सावधान रहना होगा। कुछ लोग आपके व्यवहार को गलत अर्थ दे सकते हैं, आप वैचारिक तौर पर व्यस्त रहेंगे। आज आपका विचार खुद पर रहेगा। पति पत्नी के बीच चल रहे संबंधों को लेकर चल रही समस्याएं हल हो सकती हैं। आज आप जो भी बोलें सोच समझकर ही बोलें ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। आज कुछ गलत फहमियां भी पैदा हो सकती हैं, इसलिए सावधान रहें। पिछले कुछ दिनों में आपको आर्थिक मामलों में अच्छा फायदा हुआ है, सो आज मौज मस्ती के लिए कुछ खर्च करने का मौका है। आत्मविश्वास बनाए रखें। आज आप किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना आसानी से कर पाएंगे। आपकी कुंडली व राशि के ग्रहों के आधार पर आपके जीवन में घटित हो रही घटनाओं में कुछ भिन्नता हो सकती है। पूरी जानकारी के लिए किसी पंडित या फिर ज्योतिषी से मिल सकते हैं। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।